हेलो दोस्तों, आज पूरे हम बात करने वाले हैं वीवो V29 प्रो डिवाइस को रिसेट कैसे करें। दोस्तों आप अपने फोन को रिसेट कैसे करेंगे दोस्तों, इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जैसे आप अपने फोन को रिसेट करते हैं तो जो आपका डाटा है डिलीट हो जाता है, जो आपका फोटो वीडियो आईडी है सब कुछ वहाँ से डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों आपके फोन में कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप अपने फोन को रिसेट कर देते हैं। दोस्तों अगर आप अपने फोन के प्रॉब्लम के हिसाब से आप अगर अपने फ़ोन को रिसेट भी करेंगे तो हो सकता है जो आपका डाटा वो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि जो फ़ोन का प्रॉब्लम है उसके हिसाब से रिसेट करने का भी एक सेटिंग आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो आप उस हिसाब से अगर अपने फ़ोन को रिसेट करते हैं तो जो आपका डाटा है वो डिलीट नहीं होगा। दोस्तों आपको अपने फ़ोन को रिसेट कैसे करना है, चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहाँ से आपको बता देते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको अपने फ़ोन सेटिंग को ओपन करना है, तो हम अपने फ़ोन सेटिंग को यहाँ पर ओपन कर लिया। आप देख लीजिए हमारा फ़ोन सेटिंग यहाँ पर ओपन हो जाता है और थोड़ी सी आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा सिस्टम, तो आपको सिस्टम के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन पे। और जैसा भी इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे सेटिंग आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है रिसेट ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको चार ऑप्शन आ जाते हैं। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन रिसेट करने का है। दोस्तों आपके फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम हो उसके हिसाब से यहाँ पे रिसेट करने का जो सेटिंग है सारे अलग अलग हैं। यहाँ पर आपको मिलता है रिसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ। तो दोस्तों अगर प्रॉब्लम आपके नेटवर्क में है, आपके वाईफाई में है या आपके ब्लूटूथ में है, तो आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके रिसेट करना है। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं रिसेट सेटिंग, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने स्क्रीन लॉक का जो पासवर्ड है उसको एंटर करना है। आपका जो फ़ोन है वो रिसेट होगा, तो वहाँ पर सिर्फ आपका नेटवर्क है वो रिसेट होगा, बाकी का चीज़ आपका कोई भी चीज़ वहाँ से डिलीट नहीं होगा, ना ही आपका रिसेट होगा और ना ही आपके फ़ोन में कोई चेंजेस होगा, सिर्फ आपका जो नेटवर्क है वो रिसेट हो जाएगा, बाकी का जो डाटा है आपका कोई भी चीज़ आपके फ़ोन से डिलीट नहीं होगा। यहाँ से हम बैक होते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है रिसेट ऐप्स। दोस्तों अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है या आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होता या ओपन नहीं होता है, ऐसा कोई दिक्कत आपके एप्लीकेशन में आ रहा है, तो आपको ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रिसेट करना है। और इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा रिसेट ऐप्स, आपको इस पर क्लिक करना है, अपने स्क्रीन लॉक का जो पासवर्ड है उसको एंटर करना है, जो आपका एप्लीकेशन है वो रिसेट हो जाएगा। यहाँ से हम बैक होते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है रिसेट ऑल सेटिंग। दोस्तों अगर आपके सेटिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाता है या आप अपने सेटिंग में कोई गलत सेटिंग ऑन कर लेते हैं या ऑफ कर लेते हैं, किसी तरह का कोई भी सेटिंग आपका गलत छेड़ा जाता है, आपसे सही नहीं होता है, तो आप अपने सेटिंग को रिसेट करेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं रिसेट ऑल सेटिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे जो आपकी सेटिंग है वो रिसेट हो जाएगा, बिल्कुल नए फ़ोन के जैसा आपका जो सेटिंग है वो हो जाएगा और आपके फ़ोन से कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, ना ही आपका फ़ोटो, ना ही आपका वीडियो, ना ही किसी तरह का कोई आईडी या कोई एप्लीकेशन आपके फ़ोन से डिलीट नहीं होगा। यहाँ से हम बैक होते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा एरेज ऑल डाटा। दोस्तों अगर आपका फ़ोन हैंग करता है या आपकी मेमोरी फुल हो जाती है और आप उसको डिलीट करते हैं फिर भी डिलीट नहीं होता है, इस तरह का कोई आपको प्रॉब्लम लग रहा है या आपके फ़ोन में वायरस आ चुके हैं, अगर कोई आपको प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप ये वाले ऑप्शन को क्लिक करके रिसेट करेंगे। अगर आप इस पर रिसेट करेंगे तो आपका जो डाटा है डिलीट हो जाएगा, आपके फ़ोन में कोई भी चीज़ नहीं बचेगा, ना ही आपका फ़ोटो वीडियो आईडी सब कुछ यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो हम इस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं एरेज ऑल डाटा का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको अपने स्क्रीन लॉक का जो पासवर्ड है उसको एंटर करना है और आपका फ़ोन रिसेट हो जाएगा, आपके फ़ोन से सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, जो आपका फ़ोन है बिल्कुल नए फ़ोन के जैसा हो जाएगा और आपके फ़ोन में कुछ भी नहीं बचेगा, जो आपका मेमोरी है बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फ़ोन को रिसेट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि इस तरह से आपको अपने फ़ोन को रिसेट करना है। दोस्तों का वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।